नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह से हटने को राजी नहीं है। वही सियासत जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को उसकी आर्थिक और विदेश नीति को लेकर घेरा है। उन्होंने भारत और चीन विवाद को लेकर एक ट्वीट किया, साथ ही वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सवाल उठता है कि आखिरकार चीनियों ने यही वक्त क्यों चुना। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में अर्थव्यवस्था, पड़ोसियों के साथ संबंध और विदेश नीति पर खुलकर अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि भारत की स्थिति में ऐसा क्या है जिसने चीन को आक्रामक होने का मौका दे दिया। इस समय ऐसी क्या स्थिति है कि जिसको देखकर चीन को विश्वास हुआ कि वो भारत के खिलाफ दुस्साहस कर सकता है। अपने वीडियो संदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले को समझने के लिए कई चीजों को समझना होगा। देश की रक्षा मुख्य रूप से विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और लोगों के विश्वास पर टिकी है, लेकिन पिछले 6 साल में इन हर मामलों में देश फेल हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था कभी हमारी ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। छोटे व्यापारी मुश्किल में हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।